लाल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे बार बार ये पूछते रहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर जो नया नया फॉर्म आता है वो हम लोग कैसे भरें, और कोई मुझे एक ऐसा साइट बता दीजिए जहाँ से सारे फॉर्म को भरा जा सकता है। तो आज मैं आपको इस पूरे वीडियो के सेशन में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप चाहे इंडिया के कोई सा भी फॉर्म आए, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, आप कोई भी फॉर्म आप आसानी से एक ही वेबसाइट पे जाकर और वहाँ पे आसानी से आप बना सकते हैं। इसके लिए आज मैं आप सभी को एक दो वेबसाइट, इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ से आप आसानी से कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखिए, ये ब्राउज़र है जो आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप कर दीजिएगा। मेरे पास फिलहाल ये गूगल है, आप गूगल में चले जाना और गूगल में आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। एक वेबसाइट है जो बड़ा ही अच्छा वेबसाइट है, freejobalert.com, freejobalert.com। देखिए मेरे पास आ गया क्योंकि ऑलरेडी वो टाइप किया हुआ था, और आप इंटर मार देना। जैसे आप इंटर मारोगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा इस प्रकार का। तो ये देखिए freejobalert.com का साइट है, पेज है। इस पेज में अलग अलग खाने बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए होम का है, इसके बगल में ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब का है, जस्ट उसके बगल में आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब का दिखाई दे रहा है, यहाँ बैंकिंग का, यहाँ टीचिंग का, इस पे देखिए आईटी का है, आईटी वर्किंग का, इंजीनियरिंग का जॉब है, रेलवे का जॉब है, पुलिस हो या डिफेंस हो, यहाँ पे अलग उसका बॉक्स बना हुआ है। ये देखिए अगर आपको हर मंथ का करेंट अफेयर चाहिए तो यहाँ से आप करेंट अफेयर भी प्राप्त कर सकते हैं। खासकर अब अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे, ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ से कोई भी एग्जाम का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जब आप फर्स्ट पेज पे आओगे तो देखिए माय डियर, ये लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के नीचे में देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये अपकमिंग नोटिफिकेशन है, यानी आने वाले टाइम पे क्या क्या वैकेंसी आने वाले हैं। अब बहुत बच्चे जानना चाहते हैं सर कौन कौन सा वैकेंसी आने वाला है, मुझे जानना है। तो आप इस जो अपकमिंग वैकेंसी दिख रहा है ना, अपकमिंग ये नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक कर लेना। देखिए अभी हम इस पर क्लिक कर दिए हैं और ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए जब अपकमिंग नोटिफिकेशन पे आप क्लिक किए तो एक पेज मेरे पास देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। हाँ तो ये देखिए आ गया, और इसके साथ साथ आप लेफ्ट में नीचे देखिएगा तो एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन भी दिखाई देगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट, या कोई इंटरव्यू का शेड्यूल्ड हो यहाँ से देख सकते हैं, एग्ज़ाम का डेट यहाँ से देख सकते हैं, या क्या क्या कौन सा एग्ज़ाम हुआ, उसका कितना रिटर्न मार्क्स आया आप यहां से देख सकते हैं, या कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको वो आप यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। अब अपकमिंग में आपको किसके बारे में जानना है, बैंक के बारे में जानना है, या कोई दूसरा गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, या SSC के बारे में, UPSC के बारे में, रेलवे के बारे में, या कोई भी स्टेट लेवल का। अब बच्चे बार बार पूछते रहते हैं सर रेलवे का फॉर्म कब आएगा, रेलवे का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए यहाँ पे रेलवे का बॉक्स बना हुआ है, आप रेलवे पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नीचे में अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे में देखिए UPSC के बाद रेलवे, रेलवे में RRB, ये देखिए नॉन टेक्निकल NTPC लिखा हुआ है 12th क्लास लेवल पे, ये ग्रुप डी का है, ये LPIT लेवल का है। तो ये आपका नई वैकेंसी है, आने वाला है। कुछ समय पहले तो ये पेपर का कटिंग भी डाल दिया करते थे, बट फिलहाल डाले नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं पेपर का कटिंग। ये रेलवे जॉब में, ये जो रेलवे जॉब है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें पेपर का आपको दिखाई दे देगा, हिंदुस्तान पेपर पे जो निकला हुआ था वैकेंसीज के बारे में, अपकमिंग वैकेंसीज, यहाँ पे उन्होंने पेपर का कटिंग स्कैन करके डाल दिया हुआ है। जैसे रेलवे में देखिए नॉर्थर्न रेलवे का भी आया हुआ है, ऊपर सब आया हुआ दिखाई दे रहा है कि नॉर्थर्न रेलवे में ये देखिए 17 पोस्ट है, ये फार्मेस्ट या स्टाफ नर्स का, ये इसका देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, क्वालिफिकेशन के बगल में लास्ट डेट भी है, यहाँ पे आप गेट डिटेल से इसका पूरा डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से ईस्टर्न रेलवे का है, नीचे में रेलवे क्लेम का है, ये सारा आपको दिया हुआ है। अगर आपको अप्रेंटिस का जानना है, ITI किए हुए हैं, तो ये देखिए ये है आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का अप्रेंटिस का 417 वैकेंसी है, 21/8/2017 तक लास्ट डेट है, और ये 21/8/2017 को पोस्ट किया गया था। यहाँ से आप गेट डिटेल पे क्लिक करके इसका डिटेल आप जान सकते हैं। नीचे में देखिए माय डियर,
ये रेलवे जॉब लेटेस्ट अपडेट है, क्या क्या आने वाले वैकेंसीज के बारे में होगा। तो अभी आप लोग देखिए, जैसे रेलवे टू रिक्रूट 20,000 यूथ, यानी कि 20,000 लोगों को, नौजवानों को, युवकों को रेलवे देने वाला है। उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, गेट डिटेल करके आप जान सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये, देखिए ये वैकेंसी, रेलवे ऑन हायरिंग स्प्री एज ओवर 000 पे देखिए 522 है, यानी कि 225,000 के आसपास पोस्ट जो है वो खाली हैं। आप यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको एक पेपर का कटिंग दिखाई दे देगा। फिलहाल ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने दीजिए, डाउनलोड होगा तब तक मैं आपको इसमें कुछ बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके नीचे में ये जो रेलवे रिक्रूट करने जा रहा है 20,000 को, आप इसको भी देख सकते हैं। गेट डिटेल से एक अलग पेज खुल जाएगा, ये पेज को देख लेते हैं। ये देखिए खुल चुका है, यहाँ पे लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड, रेलवे ऑन हायरिंग स्प्री एज ओवर 2,25,000 पोस्ट रिमेंस वैकेंट। मतलब रेलवे में जो है वो लगभग 2,25,000 के आसपास वो जो वैकेंट पोस्ट है उसको हायरिंग करने वाले हैं, यानी कि उसको सिलेक्शन लेने वाले हैं लोग, उसका वैकेंसी निकालने वाले हैं। एटलीस्ट 25,000 न्यू 25,000 न्यू एम्प्लॉई आर सेट टू ज्वाइन द रैंक ऑफ इंडियन रेलवे दिस फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, यानी इसी साल रेलवे जो है कम से कम 25,000 लोगों को, नए लोगों को रिक्रूट करने वाला है। दिस इज एट अ टाइम व्हेन द नेशनल ट्रांसपोर्ट इज स्टार्टिंग एट अ शॉर्टेज ऑफ ओवर 2,25,000 एम्प्लॉयज। यानी कि ये समय जो है पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट जो रेलवे का खासकर वो शॉर्टेज चल रहा है, वो लगभग 2,25,000 के बंदों का शॉर्टेज चल रहा है। आप इस पूरे पेपर को कटिंग को पढ़ लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ कब वैकेंसी आ सकता है, कब नहीं आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एज ऑफ दिसंबर 2016 कहीं ये चीज़ था। आप यहाँ से पूरा आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए द एवेन्यू मेल है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है कि रेलवे टू रिक्रूट 20,000 यूथ, 20,000 युवाओं को वैकेंसी देने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जमशेदपुर का न्यूज़ है, जमशेदपुर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज ऑल सेट टू रिक्रूट 20,000 यूथ ऑन वेरियस पोस्ट इन रेलवे डिपार्टमेंट। ये देखिए पेपर का कटिंग है जहाँ से लिख रहा है कि ये जमशेदपुर का न्यूज़ है, जमशेदपुर का, कि रेलवे जो बोर्ड है वो लगभग 20,000 युवाओं को अपने डिपार्टमेंट में वैकेंसी देने वाला है। आप यहाँ से पूरा आप इस पेपर के कटिंग को पढ़ सकते हैं। इसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले साइट पे जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में थे। तो आप यहाँ से देखिए अपकमिंग वैकेंसी भी जान सकते हैं। अब जैसे बच्चे कह रहे हैं सर बिहार में कोई वैकेंसी आया क्या, मध्य प्रदेश में आया है क्या, तो आप देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक फिर से पेज खुल जाएगा। देखिए कुछ पेज आपका खुल रहा है, जैसे ही ये आपका पेज खुल जाएगा आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हैं। अभी ओपन हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा नेट के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आप इधर से देखिए अदर में आप कट ऑफ मार्क्स भी निकाल सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किसका किसा है, सारे डिटेल यहाँ से जान सकते हैं। अभी जैसे बिहार में और झारखंड में बहुत पॉपुलर है, झारखंड में अभी आपको एसआई का पोस्ट आया हुआ है, आप उस देख लीजिए। बिहार में भी देखिए आज या कल में अभी निकला हुआ है बिहार पुलिस का, अभी तो खैर यहाँ पर ये अपडेट नहीं किया है, आई होप कि कल तक कर देना चाहिए। ये पारा लीगल वॉलेंटियर का किया हुआ है DLSA पटना का। तो आइए आपको हम झारखंड वाले जोन में ले चलते हैं। तो अभी देखिए ये जैसे बिहार में कैमूर जिला का ICDS जो आंगनबाड़ी वाला होता है ना, आंगनबाड़ी वर्कर का लगभग 1,003 पोस्ट खाली है, 8वां पास आउट और 27 तक लास्ट डेट है। ये बिहार जो 27 तो खैर गुजर चुका है। अब नीचे आइए चंडीगढ़, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में सारे वैकेंसी ये लाइन से ऊपर से नीचे तक दिया हुआ है। आप यहाँ किसी पे भी गेट डिटेल पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हम झारखंड वाले पोस्ट पे आ जाते हैं, ये गुजरात है, हरियाणा है, हरियाणा के बाद ये देखिए हिमाचल प्रदेश, ये अल्फाबेटिकल है, जम्मू कश्मीर यानी इसके बाद झारखंड मिलने वाला है। ये देखिए झारखंड आ गया। अब झारखंड में बच्चे कह रहे हैं सर जो झारखंड SSC का आया हुआ है ये वाला पोस्ट देख सकते हैं, जो 15/7 को पब्लिश हुआ है JSSC के द्वारा, पुलिस सब इंस्पेक्टर 30,319 पोस्ट है।
ये एनी डिग्री है। जी हाँ, आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। ये आपका 13/8/2017 यानी 13 अगस्त तक लास्ट डेट है। इस पर आप गेट डिटेल पर क्लिक कीजिए तो आपको एक फिर से पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज को ओपन होने दीजिए। जैसे ही पेज ओपन होगा तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। आप आसानी से ये देखिए कितना वैकेंसी है, तो 3019 वो है। झारखंड कंबाइंड पुलिस सब इंस्पेक्टर कम्पिटेटिव की एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन का नाम है 2070 का, JCPSICE। आप यहाँ पे एज लिमिटेशन में देख सकते हैं कि कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 21 to 26 ईयर फॉर UR, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए कैसे 26 तक का उम्र चाहिए। 28 ईयर EBC वालों के लिए जो कैटेगरी 1 में है और BC शेड्यूल 2 वाले में, 38 साल चाहिए STSC वालों को, यानी कि अगर आपका उम्र 38 साल तक है तो आप इस फॉर्म पर आराम से भर सकते हैं। नीचे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दे दिया कि कैंडिडेट शुड पोसेस डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कैंडिडेट के पास डिग्री होना चाहिए, चाहे सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, देख लीजिए। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फिजिकल टेस्ट एंड प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी कैंडिडेट जो है वो शारीरिक तौर से जो दौड़ वगैरह होगा उसके पैमाने पर, यानी कि शारीरिक पैमाने पर, भौतिकी पैमाने पर और साथ में जो प्री का टेस्ट लेंगे उनके अनुसार। कितना फी लगेगा यहाँ पे आपको दे दिया, ₹115 नॉन रिफंडेबल है। इनके लिए तो STSC वालों के लिए जो झारखंड के निवासी हैं, और ₹460 नॉन रिफंडेबल है और साथ में बैंक चार्ज भी लगेगा उसमें कुछ। वो अदर के लिए, यानी आप जनरल है तब भी और आउट ऑफ झारखंड के हैं तब भी आपको ₹460 देना पड़ेगा। ये सारा डिटेल देखिए आपको एक जगह मिल जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर अप्लाई कहाँ से करना है, तो नीचे में देखिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए एक पेज ओपन हो रहा है। हम देखिए ये वाला पेज मेरा वापस आ गया। यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना हियर, आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए एक आपका फोल्डर खुल गया JSSC का। अब ये खुलने दीजिए, आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं ये अभी डाउनलोड हो रहा है। ये JSSC का देखिए डायरेक्ट ओपन हो गया। तो आप यहाँ से आराम वे में, बिल्कुल ईजी वे में, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर कीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल JSSC की बात नहीं है माय डियर, आप कोई भी देख लो, कोई भी फॉर्म देख लो, जैसे सेंट्रल लेवल का ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब में देख सकते हो, अभी बैंक आया हुआ है तो देखिए बैंक जॉब में जा सकते हैं। यहाँ पे बैंक में जॉब में जाइएगा, यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार के बैंक का लिस्ट खुल जाएगा, वो कौन सा भरना है। जैसे अभी IBPS RRB का बच्चों को डालना है तो यहाँ से IBPS RRB का साइट होगा। यहाँ पे देखिए IBPS RRB 14,119 पोस्ट ना, आप इस पर क्लिक कर दीजिए गेट डिटेल पे, एक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए माय डियर हम इसको इस पेज को कट कर दे रहे हैं। ये आपका खुल चुका है वो JSSC वाला पूरा, चलिए फिलहाल इसको भी हम कट कर दे रहे हैं। और ये देखिए IBPS वाले में अभी ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए माय डियर ऑफिस असिस्टेंट्स का मल्टी पर्पस का टोटल 7374 पोस्ट है, ऑफिस स्केल 1 का 4865 पोस्ट है। ये पूरा आपको डिटेल दे देगा, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिटेल है। पूरा एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या क्या मांगा है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस है आप यहाँ से देख सकते हैं। टायर 1 है, टायर 2 है, किसी किसी के लिए देखिए टायर स्केल 3 भी है, अलग अलग पेपर होगा। कितना फी लगेगा यहाँ पे STSC अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैंडिडेट कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग यहाँ पे फी का चर्चा किया गया है। स्टार्टिंग डेट कब है, 24/7 को। लास्ट डेट कब है ऑनलाइन का, तो 14/8 को। इसी प्रकार से कॉल लेटर डाउनलोड करने का या एग्ज़ाम कब होगा, STSC वालों के लिए एक फ्री एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग के लिए, वो कब होगा, ये आपको पूरा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप जाओगे नीचे में तो देखो माय डियर यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई कोड यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो आप स्किल वाला ऑफिसर स्किल वाला कर सकते हो, यहाँ से 2 वाला, मतलब इस साइट से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसके साथ साथ एक साइट और है, हम आपको यहाँ पे देखिए एक अलग पेज में ये हम आपको ओपन करके बता रहे हैं। एक साइट और का नाम है सरकारी रिजल्ट, आप टाइप कर दीजिए और इंटर मार दीजिए।
जैसे आप सरकारी रिजल्ट टाइप कीजिएगा इंटर मारिएगा तो देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारा सर्च मिलेगा। आप ये फर्स्ट वाले को क्लिक कर लीजिए। जैसे आप फर्स्ट वाले को क्लिक कीजिएगा तो आपको एक इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है, चलिए तब तक आपको हम इसमें कुछ बता देते हैं। इस पार्ट को अब हम कट कर दे रहे हैं। तब तक मेरा ये देखिए सरकारी रिजल्ट खुल चुका है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल फ्रंट पे ये नचते नचते घूमते बिल्कुल आपको चीज दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पे हर चीज आपको दिखाई दे देगा माइक कि SSCGL का एडमिट कार्ड निकालना है, यहाँ क्लिक कर लीजिए। अगर आपको CRPF ASI का स्टेनो का आया हुआ है रिजल्ट है, यहाँ क्लिक कर लीजिए। UPS स्कॉलरशिप ऑनलाइन भरना है 2017 का, यहाँ क्लिक कर लीजिए। इसके साथ साथ MP फॉरेस्ट गार्ड का डालना है, यहाँ कर लीजिए। आंसर की जानने के लिए ये देखिए आंसर की लिखा हुआ है। आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा कॉलम बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है। IBPS कलर ऑफिसर स्केल अप्लाई ऑनलाइन कर साफ साफ यहाँ बनाया हुआ है। उसके अलावा नीचे में भी दिखाई देगा, देखिए जैसे रिजल्ट इस साइड पूरा रिजल्ट दिया हुआ है, कौन कौन चीज़ का कौन कौन सा रिजल्ट आया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए UPSC IAS का एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ठीक है, उसका रिटेन एग्ज़ाम का देखिए रिजल्ट यहाँ पे दे दिया है। एडमिट कार्ड किसका आया हुआ है, तो SSC CPO का आया हुआ था कुछ दिन पहले, अभी आया हुआ है। SI का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है उनके लिए है। अब SSC CGL का है यहाँ पे, ये पूरा लिस्ट आपको एडमिट कार्ड का मिल जाएगा। और कम पड़ रहा है तो व्यू मोर में जा सकते हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट टॉप यानी कि MPSI का भी देखिए फॉर्म आ गया है, ये ऑनलाइन हो सकता है। यहाँ पे आप क्लिक करके MPSI का भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक करे गए तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। या राज्यसभा का भरना हो, या RBI का भरना हो, IBPS ये स्केल 1 का भरना हो, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आप आसानी से यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर की आपको यहाँ मिल जाएगा। सिलेबस देखिए सारा चीज़ का यहाँ पे मिल जाएगा। क्या क्या सर, जैसे पैन कार्ड ऑनलाइन करना है आप यहाँ से भर सकते हैं, वोटर ID यहाँ से भर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको मतलब लगभग लगभग हर चीज़ जो भी ऑनलाइन का प्रोसेस है आपको यहाँ से हर एक चीज़ मिल जाएगा माय डियर। चलिए माय डियर, तो आज मैं आप सभी को इन्हीं दो साइट के बारे में बताने वाला था, इन दो साइट के बारे में आपको बता दिया। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगा इसी कड़ी के साथ। आप सभी को आज के लिए धन्यवाद। आई होप कि आप कोई भी फॉर्म भरने का साइट जान गए होंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के बाद आप कोई भी फॉर्म को भरना हो आप यहाँ से भर सकते हैं। और डिटेल के लिए और वीडियो जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास चला जाएगा। थैंक यू टॉल।